इधर चलिए हम लोग विज्ञान विषय का ना प्रश्न पत्र नंबर कितना 3 पढ़ने जा रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, बस उसमें आप लोगों को ओएमआर शीट अलग से दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को ब्लैंक करना रहेगा ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए हम लोगों को समय कितना मिलेगा, एक घंटा 20 मिनट, एक घंटा 20 मिनट और पूर्णांक 40, मतलब कि टोटल नंबर जो अंक जो होगा 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गड़बड़ाना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला में चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, आपतन कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इसलिए आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री, यानी किस में हम लोग टिक आउट करेंगे 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। एनी प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सही है। हम लोग देखे कि मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र भी होता है, प्रकाशित केंद्र भी होता है, उसको ध्रुव भी बोला जाता है, इसमें होता है फोकस भी, जिसको बड़ा एक से दिखाते हैं। तो ये जो परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो किरण जो गुजरती है जहाँ से होकर के मुख्य अक्ष को, उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, यानी कि मुख्य फोकस भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। बताइए एक सेकंड में आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा ना, कष्ट बोलो, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं थ्री में, क्वेश्चन नंबर क्या में, थ्री में चलते हैं। थ्री में आप लोग देखिए, थ्री में हम लोग दिया हुआ है कि यदि वक्रता त्रिज्या, यदि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है, कितना है 54, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी यानी कि एफ ना, तो हम बताए हैं बात सही है, वेरी गुड, जान रहा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, तो हम लोग क्यों नहीं इसको याद रखें कि F बराबर R बाई 2 होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्या चीज, यहाँ पर दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी कि इसको आधा कर देना है, यानी 54 में 2 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो कितना आएगा, कस के बोलो, कौन सा ऑप्शन सही, वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी में हम लोग टिक आउट कर देंगे, देखिए कर दिए ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है ना, कहाँ रखा गया है जिससे उसके समान आकार, समान आकार मतलब सेम साइज, अगर 5 फीट का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 5 फीट का, समान आकार का उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बने, क्या बने, उल्टा प्रतिबिंब बने, कहाँ पर रख सकते हैं जल्दी बताइए, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर, कहाँ पर, सी पर, अगर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। और देखिए मॉडल सेट का अगला पेज ना, क्वेश्चन नंबर 5 करा कि अवतल दर्पण का उपयोग, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, पहले हम बताएं अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग, याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बस समझ आ रहा है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के गोली मारो, खाली दिमाग में अवतल उत्तल और समतल का उपयोग जान जाओ, यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा अटाक दू का जवाब दे देगा, है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, करा गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का, उत्तल, ये ऑप्शन सही नहीं है, गाड़ी के हेडलाइट में, ये पॉइंट, ये ऑप्शन जो है क्या है, सही है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। खड़ा हो जी अमित कुमार, क्यों उपयोग होता है, व्हाट इज रीजन, फैला देता है, फोकसित करता है, मतलब दूर तक उसको भेजता है, और लाइट का प्रकाश गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो दूर तक साफ दिखाई पड़ना ना चाहिए, इसीलिए ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, किसमें, गाड़ी के हेडलाइट में, और गाड़ी के साइड मिरर में किसका, उत्तल का, क्यों,
क्योंकि पीछे पीछे का देखने का जो दृष्टि क्षेत्रफल है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक साथ बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं, इसलिए दोनों एक बाम और तीन काम, बात समझ में रहा ना। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत क्वेश्चन इससे हम लोग याद करेंगे, रिवाइज कराने का मकसद ये है मेरा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है, बस तो बोलो अवतल। किस में हम टिक मारे, ई में, बैठ जा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, जल्दी बोलो, सिक्स में। कह रहा है कि प्रकाश की किरण, ध्यान से देखना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर, थोड़ा क्वेश्चन उल्टी पलटी लिखा है उसमें माइंड नहीं करना है, कह रहा है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। देखा है ना, है ना, जैसे कि पानी से हवा में गया प्रकाश, ठीक है, चाहे हवा से पानी में गया चाहे कांच में गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है ना। यह कौन घटना है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, नहीं ना, आ रहा फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यस, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल में परिवर्तन हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि वो अपना मुख्य पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। खड़ा ये साक्षी कुमार स्टैंड अप राइट, क्यों विचलित हो जाता है, मतलब कि एक माध्यम का अलग रहता है दूसरा माध्यम का अलग रहता है, और प्रकाश की चाल माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, जहां जिस टाइप के माध्यम मिलेगा उसका उस चाल से उसका बढ़ जाता है, बढ़ जाइए। जैसे कि हम लोग गाड़ी से चलते हैं ना, तो जहां बढ़िया सड़क रहता है स्पीड में चलते हैं, जहां उबड़ खाबड़ रहता है कहां चलते हैं, स्पीड में, स्पीड में चलेंगे तो मुंह नाक बराबर हो जाएगा, तो हम लोग स्लो चलते हैं ना, तो प्रकाश की भी चाल सेम टू सेम होता है। तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलता है तो उसका वेग जो है चाल में अंतर आ जाता है, क्योंकि उसका जो जो माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। एनी प्रॉब्लम, अगर हम लोग समझदारी के साथ अगर याद करेंगे ना तो जिंदगी में नहीं भुलाएंगे, और अगर बिना समझदारी के साथ अगर याद करेंगे ना तो अभी ई कान से सुनिएगा वो कान से हवा की तरह निकल जाएगा, पसंद आया। इसलिए जो भी पढ़िए उसको माइंड में सेट कर लीजिए, काम है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि लेंस ना, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता कहां से नापते हैं, कस के बोलो, डायोप्टर से, कहां से, यहां पर मीटर निकला है, सही है, कहां, गलत, सेंटीमीटर, डायोप्टर, तो याद रखना कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, बस के बोलो, डायोप्टर को कहां से अंकित करते हैं, डी से, बड़ा वाला डी से, किसे, याद रखना एकदम, एनी प्रॉब्लम, चलते हैं, नो प्रॉब्लम। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु, ऊंचा वस्तु यानी कि हाइट दिया हुआ है वस्तु का, ऑब्जेक्ट का ना, किसी लेंस के सामने रखा गया है, लेंस के सामने रखा गया जिसका वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्या गुना जी, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन के हम सूत्र बताए हैं, m बराबर v / u बताए ना, उस पर अगर इसको रखेंगे और काट कूट करेंगे हल करेंगे तो बी ऑप्शन सही आएगा, कितना आएगा, बिल के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, माने प्रतिबिंब बनता है, तो हम बताए हैं दृष्टि पटल पर, कहां बनता है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, जल्दी बोलो, अगर ऑप्शन में रेटिना दे दिया तो वहां पर भी टिक आउट करेंगे, याद रहेगा, कल फिर हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, ध्यान से देखना, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल, फिर बी अवतल, सी द्विफोकसी लेंस, और डी इनमें से कोई नहीं, कौन सा ही होगा, अवतल लेंस, कौन होगा, अवतल लेंस के चश्मा लगाते हैं क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु हमको साफ दिखाई देता है, बस समझ रहा है ना, और दूर वाला नहीं दिखाता है, तो दूर वाला को बढ़ाने के लिए, फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग, किस लेंस का उपयोग करेंगे, बस के बोलो, और अगर यहाँ पर निकट के जगह पर दूर दे देता, का देता, दूर रहेगा कि दूर दृष्टि दोष ना,
तो यहाँ पर कौन सा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी को क्या करना पड़ता है, कस के बोलो। हाँ आगे चलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है सामान्य नेत्र कब, जब नेत्र में किसी प्रकार के कोई बीमारी ना हो ना, उसको बोलते हैं सामान्य नेत्र ना। सामान्य नेत्र में किस सॉरी सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, दूरबिंदु मतलब कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं, इन्फिनिटिव दूरी तक। उसका कोई किस जैव प्रक्रम में ना, लाइफ प्रोसेस में जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है, तो श्वसन करने से, किस क्रम से श्वसन करने से क्या मिलता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कौन सही होगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं ना, कह रहा है कि चिप्स के पैकेट, हम लोग बहुत तुम लोग चिप्स खाया होगा और अभी भी खा रहा होगा, अब तो एगो चिप्स की क्या कुरकुरे है, उसमें 20 रुपया की रिचार्ज भी फ्री है, खाओ और रिचार्ज मोबाइल करवाओ और आराम से यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिकता से बचने के लिए, विकृत गंधिकता मतलब होता है जैसे कि भोजन तुम लोग देखा हो, भात देखा है ना, भात को रात में खाया और दिन में सुबह उठेगा तो देखेगा कि औरा जाता है, गमकने लगता है, गंध देने लगता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिकता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिकता से बचने के लिए। उसी तरह से अगर चिप्स का थैली पैकेट होता है 2 महीना पहले, हम लोग आज तक खाते हैं उतने स्वाद लगता है जितना स्वाद में पैक किया जाता है ना, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, उसको याद रखना। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वीवीआई आपका परीक्षा में जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं बल्कि क्या चीज, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, वेरी गुड, दिमाग की खोपड़ी मर जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर बड़ा कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर करा कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसको आप लोगों को अभिकारक और प्रतिफल, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दिए गए ना, दिए गए कौन सा, दिए गए यहाँ पर क्या समीकरण दिया हुआ है जी, बस के बोलो, चार को दिया हुआ है, चारों समीकरण में से संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है, इसको आपको कॉपी में निकाल करके चेक कर लेना होगा, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, बस समझ में रहा ना। तो आपको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के ना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के जो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु संख्या जो होता है से क्या होता है, बस के बोलो। यहाँ पे हम लोग गिन गिन के देख लेंगे कि कौन का बराबर है, जो बराबर है उसको सही है और नहीं है उसको कौन सा बराबर है जी, ए सही है, देखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 19 में कह रहा है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सॉरी HCl ना, अम्ल को डालने से क्या होता है, अगर लोहा के चूर्ण पर अगर तनु माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अगर डालते हैं तो क्या होगा, 19 नंबर, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा, आप लोग को हम पढ़ाने समय बताए भी हैं, बताया ना, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। जैसे अगला में और क्वेश्चन नंबर 20 में करा दिए गए पदार्थ में कौन सा रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, रंग बदलने वाला, ध्यान देना जरा, गंधीय सूचक और रंगीय सूचक, ठीक है, अलग अलग है, तो यहाँ पर रंग बदलता है, तो आप लोग पढ़ाए थे याद है ना, पढ़ाया कि रंगीय सूचक मतलब रंग बदलता है, तो लौंग का, वेनिला का, प्याज का, प्याज गंधीय सूचक ना जी माय डियर, कौन होगा, कौन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन में हम लोग टिक आउट करेंगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, हम लोग के गोड़ हाथ टूट जाएगा, किसी को भी टूट गया, तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर, कीप साइलेंट, डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, कौन, CaSO4 × 1/2 H2O, याद रखना, कौन सा ही होगा, बस के बोलो, याद रखना है कि हड्डी को जोड़ने के लिए CaSO4 × 1/2 H2O का प्रयोग किया जाता, एकदम मरते दम तक याद रखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट, इसको तो जरूर याद कर लेना, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं भी आएगा तो कहा हमारे बाप के जा रहा है भाई, याद रखेंगे। पसंद में रहा ना, बूढ़ा टूटता है तो इसको देखो ना, याद रखें। अरे बूढ़ा टूटता है कौन सा लगता है भाई, तो ये वाला लगता है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। देखिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अभी आ रहा है नया साल, बोलेगा कोई कि हैप्पी न्यू ईयर, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट जब आना है तुरंत कहना सेम टू सी। जल्दी बोलो सी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में, ये पार्ट नंबर 1 से हम लोग पढ़े हैं जी, नहीं पढ़े हैं? करा दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ देखो, 2H2 प्लस O2 ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? बस बोलो, क्या बना रहा है जी? जल बना रहा है। तो संयोजन हो रहा है, वियोजन विस्थापन की, देखो बकलोल तरी दे दिया है क्वेश्चन का ऑप्शन, तो इसको दिमाग में नहीं रखना, देख रहा है ना ऑप्शन है ना गलत? अरे हम नहीं करे, आंख से देखो तुम लोग। यहाँ लिखा है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, दो ऑप्शन सेम कह दिया भाई, गलत है कि नहीं है? लेकिन हमको सुधार करना है उसको, इसीलिए बार बार रिवाइज करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? संयोजन। खड़ा होइए गुनगुन कुमारी, क्यों संयोजन अभिक्रिया हो रहा है? हाँ वेरी गुड, हाँ दो अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल बना रहा है H2। बढ़िया, सिट डाउन। यानी कौन सा हो जाएगा जी? तो संयोजन को लॉक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे खट्टे फल, खट्टा फल जिसे कच्चा में आम कैसा लगता है? खट्टा लगता है। करे खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बस के बोलो, सिट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 24 है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या में? 25 में। करा है कि कोई बिलियन, ध्यान से देखना, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इसका भी हम बताए थे तुम लोगों को, दुधिया कर देता है। इस बिलियन को क्या कहेंगे? HCl कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, इसको ये जब करेंगे तो ये दुधिया कर देता है, मैंने उजला कलर के कर देता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस है, उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका पीएच संभवतः क्या होगा? दू होगा। क्या होगा? कह रहा है कि अमीबा अपना किस अंग में भोजन का पाचन करता है? किससे? आदरिक्रिया से। हम लोग टिक आउट करेंगे, किस में टिक आउट करेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी स्तंभ भोजी पोषण होता है? ध्यान दो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी स्तंभ भोजी पोषण होता है? अमर बेल में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, अमीबा में होता है। आप देखो, कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चार। कह गो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भोजन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम में क्षारीय करता है? कह रहा है कि क्षारीय करता है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्या करता है जी? क्षारीय करता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 31 है क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक और क्रियात्मक के नाम सुना है ना, यहाँ पर क्रियात्मक इकाई माने काम करने वाला, क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है? वृकाणु। क्या है? वृकाणु हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है जो वास्तुसर्जन के द्वारा नहीं होता है? वास्तुसर्जन किसमें होता है? पेड़ पौधा में, पादप में। किसमें? ये सब पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, पादप में होता है। तो क्या क्या? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों का जल तथा खनिज लवण के संवहन उपरिष्ठमुखी गति में सहायक है। यह पौधों में ताप का नियमन करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल को प्रदान करता है। यह भोजन का संवहन करता है। तो डी गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर गलत पूछ रहा है। ठीक है ना, कर नहीं होता है। तो ये देखो, ये सब होता है।
तो यानी कि जो ऑप्शन जो है आपका पहला जो है क्या है सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा का है, चौथा में टिकट करेंगे, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, लाइव आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए इसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी करने वाले हैं, आप लोग के साथ साथ हजारों विद्यार्थी इससे लाभ उठाएंगे। और मेरा मकसद होता है एक नहीं अनेक, विद्या ऐसा चीज है जितने बांटो उतना क्या होगा, अरे बोलो, तुम लोग भी जितना हो जो भी जहां पढ़ता है उसको हेल्प करो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जितने बताएगा उतने विद्या क्या होगा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 35 में, देखो यहाँ 34 छूट गया है, चलो भाई चलो। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पौधा है, आजकल तुम लोगों को कौन है, पपीता, कौन है पपीता, तो पपीता में टिक आउट मार देंगे कड़ाक दुका, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, मैं आंसर दो बोला, ध्यान से देखना, करा दिए गए चित्र, चित्र दिया गया है ना, किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, मुकुलन, मुकुलन में ऐसे निकलता है, बाद में ये नया जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ये कौन सा जीव है, हाइड्रा है, याद रखना इसका नाम है हाइड्रा। अब हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है, इसमें क्या होता है, किस तरह से निकलता है और अंत में टूट करके और एक नया जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, तो किसमें टिक करेंगे जी, बी में, वेरी गुड, बहुत अच्छा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, अब इसका आंसर लड़का लोग जवाब देगा, कह रहा है कि लड़कों में यौन आरंभ के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन द्वारा होता है, एस्ट्रोजन, हमको थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन, याद रखना, कौन ऑप्शन सही होगा, कौन सही होगा, ए सही होगा, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 37 में, करा निम्नलिखित में कौन, देख रहे हैं यहाँ, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, यहाँ देखो, मूत्रवाहिनी नहीं होगा, शुक्रवाहिनी नहीं होगा, शुक्राशय नहीं होगा, मादा जनन ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 37 ना, सी होगा, कौन होगा, सी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 38, कराया कि हमें जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ध्यान से देखना, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः है और ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, कौन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बाकी तो सबसे सौर ऊर्जा से मतलब है सबका। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं, कौन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है, कोयला भी खत्म हो जाएगा आने वाला समय में, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है, बताया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं, लास्ट एंड फास्ट, अंत भला तो सब भला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, कौन होगा, साफ नहीं पढ़ा रहे इसलिए थोड़ा हम साफ सेटिंग कर दे रहे हैं, कह रहा है कि लकड़ी भी जो है से ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मतलब कि सजीव से बनने वाला, कौन से, तो लकड़ी भी सजीव से बनता है जी, गोबर गैस भी सजीव से, कोयला भी पता है कि सड़ल गलल मरल पदार्थ के अंततः कोयला में बदलता है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन होगा, तो चलिए नाभिकीय ऊर्जा में हम लोग टिक आउट कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी तैयारी कर रहे थे आप लोगों के साथ साथ, मेरे ट्यूशन में आज छठ के बाद ट्यूशन खुला है इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, तो स्टूडेंट की संख्या 150 से ऊपर रहता है, तो चलिए एक बार फिर से इस सबके हम टेस्ट ले रहे हैं, ध्यान से आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो हम अपलोड भी करने वाले हैं, आप लोग घर में जाकर के देख भी लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री बनता है तो परावर्तन कोण, वेरी गुड, यही सब स्टूडेंट अभी पीछे से बोल रहे थे ना जी, आप लोग ही लोग ने बोल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर वक्रता त्रिज्या अगर 54 है, वक्रता त्रिज्या कितना है, तो फोकस दूरी कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखिए फटाफट ये सब याद कर लिए, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसी तरह से
याद कर लेगा और कंप्लीट कर लेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा जी, शेयर करेगा ताकि सब लोग का भलाई हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? कस के बोलो, वेरी गुड। डायोप्टर का कहाँ से दिखाते हैं? कहाँ से दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। देखिए फटाफट सबको याद हो गया ना, किसको किसको याद हो गया, हैंड्स अप, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र की दूरबिंदु क्या है? क्या है? वेरी गुड। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वेरी गुड। कौन अभिक्रिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा और मम्मी पापा को दिखा भी दीजिएगा कि सर कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक ना। और गुस्सा बढ़ता है तो थोपा थोपी भी देते हैं, कब, जब हम लोग मन से नहीं पढ़ते हैं। पैसा में देरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं, पढ़ाई के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे फिर बॉयज हो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कोई बिलियन के नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच का मान कितना होना चाहिए? 7 से कम, यानी कौन ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों को थोड़ा, हम इस वीडियो को अपलोड भी करना था, आप लोग के रिवाइज भी हो गया, बहुत स्टूडेंट आज थोड़ा कम स्टूडेंट की संख्या है, इसलिए हम अब कल जो है हम लोग मॉडल नंबर 4 और 5, ठीक है ना, दोनों को रिवाइज कर लेंगे, आप लोगों का साइंस लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑल्स एंड क्लास ओवर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल के क्लास में, ठीक है।